नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। नोएडा में पकड़े गए चीनी घुसपैठियों का किस किस के साथ कनेक्शन था, इस बात को पता करने के लिए यूपीएसटीएफ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपीएसटीएफ पहले भी ऐसे मामलों को सुलझा चुकी है, लेकिन ये मुद्दा चीन से जुड़ा है तो एसटीएफ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। चीनियों से कैसे राजपास कराएगी यूपीएसटीएफ, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा में अवैध घुसपैठियों से जुड़े मामलों की जांच अब यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। आखिर नोएडा में चीनी घुसपैठियों क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था, इसकी पूरी जांच एसटीएफ करेगी। बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर से दो घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के बाद से नोएडा पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 5 भारतीय समेत 3 चीनी नागरिक हैं। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा सशस्त्र बल ने 11 जून को बॉर्डर पार कर रहे दो चीनी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों चीनी नागरिकों ने बताया था कि वो 15 दिन तक नोएडा में अपने एक चीनी मित्र सुफाई के यहाँ रुके थे और ये वित्तीय जालसाजी से जुड़े हुए थे। सूचना मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने चीनी घुसपैठियों के मित्र और चीनी नागरिक सुफाई उर्फ कैरी को उसकी महिला मित्र के साथ गुरुग्राम के एक 5-सितारा होटल से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ की गई तो पता चला खुद सुफाई का वीजा एक्सपायर हो चुका है। वो फर्जी तरीके से वीजा पर डेट आगे बढ़ाकर भारत में रह रहा है। वो यहाँ कहीं फैक्ट्रियां संचालित कर रहा है, जिसने मोबाइल डिस्प्ले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाए जाते हैं। साथ ही चाइनीज क्लब का भी संचालन कर रहा है रवि नटवरलाल, जो सुफाई का पार्टनर है। बताया जा रहा है कि सुफाई ने अपनी फैक्ट्रियों का निर्देशक रवि नटवरलाल को बनाया था, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। सुफाई के गिरफ्तार होने के बाद से ही पुलिस रवि नटवरलाल के तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद 26 जून देर रात पुलिस ने रवि नटवरलाल को उसके अन्य 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। चीनी घुसपैठियों मामले की जांच अब यूपीएसटीएफ की टीम करेगी। केस यूपीएसटीएफ को ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले नोएडा पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अवैध चीनी नागरिकों से पूछताछ कर रही थी। अब एसटीएफ खुलासा करने में कामयाब हो जाएगी कि आखिर चीनी घुसपैठ ग्रेटर नोएडा में क्यों रुके हुए थे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।